हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवोसियर केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन का ही अगला टॉपिक यानी कि पार्ट टू बताने वाला हूँ। मैंने इसके पहले साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन का कहाँ पर यूज किया जाता है, आखिर लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन का क्यों इसका प्रयोग में लाया गया और साइंटिफिक नोटेशन का क्या यूज है, इसके बारे में पढ़े थे। तो आज का वीडियो में समझाऊंगा, इस पर मैं कुछ मतलब नंबरिकल लूंगा या तो सम लूंगा, उसमें साइंटिफिक नोटेशन का यूज करूंगा। उसके साथ ही साथ में एडिशन, सबस्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में कैसे इसको यूज करेंगे उसके बारे में समझेंगे। ऐसे तो ये जो आप लोग का जो मैथमेटिकल फॉर्म में इसको यूज किया जाता है, खासकर इसका फिजिक्स में भी यूज होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, उसके साथ साथ में आप लोगों के साथ मैथ्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग कैसे कैसे यूज करेंगे, इस पर जो प्रॉब्लम आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहें। उसके साथ ही यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। हम लोग कल जो मैंने आप लोग को बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन का कैसे कैसे यूज करेंगे उसके बारे में कुछ और हिंट दे देता आप लोगों को, ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा किया था साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, ऐसे लिया था, कुछ क्या किया था, जिसे मैंने लिखा था एन इंटू टेन टू द पावर एन, जहाँ पे ये आपका क्या था, नहीं दिख रहा क्या, दिखेगा दिखेगा सब दिखेगा। ठीक है, देखिए ये इसको हम क्या बोले थे, इसको हम लोग कोफिशियंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोफिशियंट, इसको नॉन जीरो भी बोल सकते हैं हम लोग, और उसके साथ डिजिट भी मैंने इसको बोला था, इतना सारा चीज को बोला जा सकता है ये एन को। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। और ये आपका क्या, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ये जो आपका डिपेंड करता है एक्सपोनेंट मूविंग ऑफ डेसिमल पे। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट जो आपका डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, देखिए एक्सपोनेंट जो होता है आपका, ये होता है जो ना आपका मूविंग ऑफ डेसिमल, मूविंग ऑफ डेसिमल पर डिपेंड करता है, यानी कि जो डेसिमल जो होता है ना, जैसे डेसिमल में समझते हैं ना, जिसको बोलते हैं दशमलव, वो जो है ना मूव करता है उस पर डिपेंड करता है। अगर डेसिमल आपका लेफ्ट की ओर भागा तब बोल दीजिएगा ये पॉजिटिव होगा, अगर आपका ये राइट की ओर भागा तब बोल दीजिएगा कि वो नेगेटिव की ओर होगा। बात समझ रहे हैं, इस तरह से आपका निकलना है, समझेंगे क्वेश्चन अच्छा तरीके से समझ में आएगा बढ़िया से। चलते क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ ताकि बेटर समझ में आए। तो मैं आप लोग इतना समझ में आए कि एक्सपोनेंट जो मूविंग होता है डेसिमल पर, वो लेफ्ट की ओर जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे और राइट की ओर जाएगा तो नेगेटिव लूंगा हम लोग। ठीक है, इसके पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं लोग समझाने के लिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि राइट फ्लोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक, जितना सारा जो दिया वो इसको आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले जो मैं बताता हूँ उस चीज को आप लोग समझिए ध्यान से। इसका मतलब जो मैं यहाँ पे लिया हूँ डेसिमल पॉइंट का जो मूविंग होता है, यहाँ पे जो मैं बताया हूँ आप लोग को, पहले बताया ना यहाँ पे इसका जो मूविंग कैसे कैसे, इसके बारे में समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या होगा आप लोग को, मैंने आप लोग कल भी समझाया था कि जो डेसिमल आपको लेना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो साइंस की भाषा में आपको जब भी लेना है वन डिजिट के बाद डेसिमल लेना है। बात समझ रहे हैं, जब भी आपको डेसिमल बैठाना है तो वन डिजिट के बाद बैठाना है हमेशा। अगर डेसिमल कहीं दूसरा जगह पे चल गया है तो उसको उठा करके पकड़ के एक अंक के बाद यानी वन डिजिट के बाद आपको रखना है डेसिमल हमेशा हमेशा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल आप समझ लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने बोल दिया 26000.49 ये लिया। ठीक, अब आपको इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डेसिमल मैंने क्या बताया, डेसिमल जो होता है जो पॉइंट होता है उसको हमेशा वन डिजिट के बाद पुट करना है, हमेशा वन डिजिट के बाद। तो वन डिजिट कहाँ पे, स्टार्टिंग डिजिट कहाँ, यहाँ पे, तो इसके बाद ये दशमलव होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में। इसीलिए हमको इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव लेफ्ट राइट का प्रयोग करते हैं यानी एक्सपोनेंट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो दशमलव है उसको उठा के मैं कहाँ पे लाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा, वन एक डिजिट मतलब वन डिजिट के बाद पॉइंट यहीं पे आएगा ना, मन में एक्सपोनेंट जो बोलता है साइंटिफिक नोटेशन बोलता है वही बात बोल रहा है ना, तो उसको मैंने उठा के यहाँ पे लाया। ठीक है, अब मैं जब इधर की ओर गया, इधर की ओर जा रहा मैं ना, तो जब मैं इधर की ओर जाया तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं लेफ्ट की ओर राइट की ओर जा रहा हूँ तो मैं लेफ्ट की ओर गया। बात समझ रहे ना, मैंने लेफ्ट की ओर गया कि राइट की ओर गया, तो मैंने इधर इधर लेफ्ट होता है ना और इधर राइट होता है, तो मैंने लेफ्ट की ओर गया। बात समझ रहे, इसलिए मैंने जब लेफ्ट की ओर जाऊंगा
तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव का चिन्ह लगाऊंगा, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं ठीक, अब उसके बाद क्या करूंगा, देखिए उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा 2.600049। उसके बाद ये जो एन जो आपके आया है, एन कहाँ से मूव किया, देखिए एन जो पता मैंने बताया, एन क्या बताता है, मूविंग ऑफ डेसिमल, मैंने डेसिमल के मूविंग के बारे में बताया। तो एन यहाँ से जो डेसिमल कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, कितना अंक के बाद गया, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे जो एन बराबर लिखूंगा वो 4 लिखूंगा, ठीक है, किस में लिखूंगा, पॉजिटिव में, क्यों, क्योंकि लेफ्ट की ओर गया। बात समझ में, एक तो और लेता ताकि और बेटर समझ में आप लोग, 0.004049 ये मैंने लिया। उसको जैसे क्वेश्चन आपका है उसको साइंटिफिक में लिखना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ढूंढना है, यहाँ पे क्या चीज ढूंढना है आप लोगों को, कि जो पॉइंट है ये पॉइंट को किधर की ओर लेके जाना है। तो साइंटिफिक नोटेशन बोलता है कि जब भी आप डेसिमल पॉइंट के लाएं तो 1 डिजिट के बाद लाएं, जब भी आप साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक नोटेशन ये बोलता है कि जब भी आप पॉइंट को लाएं तो 1 डिजिट के बाद लाएं, जब भी आप पॉइंट लाएं तो 1 डिजिट के बाद लाएं, जब भी आप पॉइंट लाएं तो 1 डिजिट के बाद लाएं। तो 1 डिजिट किधर, इधर जाएं, इधर अगर इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, 0, इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, कुछ पॉइंट डिजिट आएगा। तो मैं इसको उठा कहाँ पे लाऊंगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, तो मैं इसको उठा कहाँ पे लाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा। तो मैं किधर डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन की ओर जा रहा हूँ, राइट डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हम किधर की ओर गए, हम जो गए वो राइट डायरेक्शन की ओर, राइट डायरेक्शन की ओर जाऊंगा तो हम लोग नेगेटिव का साइन लगाऊंगा, यही पॉजिटिव नेगेटिव साइन का, जो मैंने पहला ही बताया कि जो पॉइंट का जो मूविंग होता है ना वही डिसाइड करता है कि इसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव, किसके पास, एन के पास। और एन क्या बताता है कि जो मूविंग जो होता है डेसिमल का मूविंग के बारे में बताता है। तो अगर यहाँ पर कितना अंक के बाद गया, कितने डिजिट के बाद गया, तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद गया, तो मैं लिखूंगा 10^4, किसमें, माइनस के फॉर्म में लिखूंगा, सॉल्व करता हूँ, 4.96 × 10^4 कितना, 1 2 3 4, 4 लिखूंगा बट किसके फॉर्म में लिखूंगा, माइनस, क्योंकि मैं फ्लैट की ओर गया। यहाँ तक आप लोग डिटेल पूर्वक समझ में आसानी तरीके से आ गया। अब मैं क्वेश्चन की ओर बैठता हूँ ताकि और आसानी से आप लोग को समझ में आए, जो भी कंफ्यूज होगा वो दूर हो जाएगा पूर्ण तरीके से। तो मेरा क्वेश्चन जो लिया, मैं इस तरह से लिया क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या बोला है कि राइट द फॉलोइंग इन सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। इसको क्या करूंगा, मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्वेश्चन जब भी आता है, जो क्वेश्चन जब भी आता है उसको सबसे पहले क्या करना है आपको, उसमें खोजना है कि हमको डेसिमल को किधर की ओर लेके जाना है, और डेसिमल किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर डिजिट होगा, ठीक है। तो डिजिट किधर की ओर, इधर की ओर, तो डिजिट इधर की ओर, जब डेसिमल को मैं उठा के यहाँ कहाँ पे लाऊंगा, डेसिमल को मैं उठा के कहाँ पे लाऊंगा, यहाँ से डेसिमल उठा के कहाँ पे लाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा। तो यहाँ पे लाऊंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोलता है साइंटिफिक नोटेशन बोलता है कि जब भी आपको डेसिमल को बैठाना है तो 1 डिजिट के बाद बैठाना है, और जब मैं 1 डिजिट के बाद बैठाऊंगा तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसको मैं उठा कहाँ पे लाऊंगा, यहाँ पे, कौन से डायरेक्शन में गया, तो आपका ये जो जा रहा है लेफ्ट के डायरेक्शन, सॉरी राइट के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा, 1.37। अब काउंट कीजिए कितना अंक के बाद गया, 1 2 3 × 10^3 किसमें आएगा, -3 में। बात समझ में आ रहा है, इस तरह इसमें करना है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें पूछ रहा क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन देखिए इसको, इसमें क्या करना आपको, डेसिमल जो ये वाला आपके पास वो उठा कहाँ पे लाना, 1 डिजिट के बाद, 1 डिजिट किधर है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग से काउंट करना है, तो कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। जैसे इसको उठा के मैं कहाँ पे लाऊंगा, यहाँ पे, कितना के बाद, 1 2, किधर की ओर, राइट की ओर, ये किधर की ओर जा रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पहले लेफ्ट और राइट बढ़िया समझिए, लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है, ठीक है, इतना तो आप लोग आना चाहिए। 5.624 × 10^4 क्या होगा, लेफ्ट की ओर जा रहा है, कितना अंक के बाद जा रहा है, 1 2, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, +2। बात समझ रहे हैं, और देखिए इसमें सूत्र देखूंगा, फिर पहले क्वेश्चन है उसको खोजूंगा यहाँ से कि मैं हमको जो डेसिमल उठा के कहाँ पे ले जाके जाना है, तो 1 डिजिट के बाद, 1 डिजिट किधर मिलेगा, इधर, इधर नहीं मिलेगा, तो इसको उठा कहाँ पे लाऊंगा मैं, हम लोग यहाँ पे लाऊंगा, कौन से डायरेक्शन में गया, तो राइट डायरेक्शन में मैंने गया, राइट में गया। उसके बाद लिखूंगा इस तरह 9.4 × 10^4 किसमें आएगा, माइनस, कितना के बाद, 1 2 3 4, यहाँ पे लिखूंगा -4। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, और अच्छा समझ में आएगा। और एक दूसरा क्वेश्चन को देखिए, इसमें देखिए पॉइंट का जिक्र कहीं किया ही नहीं, इस क्वेश्चन में आपका पॉइंट का जिक्र कहीं नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पॉइंट का जिक्र नहीं किया रहा था, समझ लीजिएगा आप लोग कि जो पॉइंट है वो अंत में, मैंने लास्ट में कहीं पे पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब ही समझिएगा, ठीक है। अगर पॉइंट कभी दिया नहीं रहता है कोई क्वेश्चन में, तो समझ लीजिएगा डेसिमल जो है उसका, जो डेसिमल है, जो उसका दशमलव है, वो लास्ट में बैठाया गया है। तो मैं क्या करूंगा, सपोज यहाँ पे मान लिया, तो मैं इसको उठा कहाँ पे लाऊंगा, 1 डिजिट के बाद, यहाँ पे लाऊंगा, तो लिखूंगा 9.1 9.00060, इधर की ओर जा रहा मैं, लेफ्ट या राइट बोलिए आप लोग कमेंट, लेफ्ट की ओर गया मैंने, ठीक। तो मैंने उठा के इसको इधर की ओर, क्या लिखूंगा, 10^10 कितना के बाद गया, 1, यहाँ था ना, 1 2 3 4 5, मैं लिखूंगा 10^5 प्लस में लिखूंगा। इसको देख लीजिए, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, पॉइंट कहाँ पे उठा लाना, यहाँ पे, ठीक है।
क्या लिखूंगा मैं, 2.96 इंटू 10 to the power, कहाँ गया, यहाँ, तो 1, 2, 3 तो लिखूंगा माइनस में 3, क्यों, क्योंकि मैं राइट की ओर गया। देखिए लेफ्ट और राइट की कहानी आप लोग समझ में आएंगे तो साइंटिफिक नोटेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी तरीके से बन गए, आप लोग लेफ्ट और राइट थोड़ा सा समझ लीजिए। फिर यहाँ पे देखूंगा यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे उसी तरह क्वेश्चन, इसमें क्या है पॉइंट का जिक्र नहीं किया, यानी दशमलव का जिक्र नहीं किया, तो समझ लीजिएगा जो दशमलव इसमें है वो कहीं लास्ट में बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है। इसको मैं उठा कहाँ पे लाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा, तो उसको उठा यहाँ पे लाता हूँ, 5.600 × 10 to the power, क्या लिखूंगा, प्लस में माइनस में दशमलव, यहाँ इसको उठा यहाँ पे लाऊंगा, क्या लिखूंगा मैं इसको, तो 1, 2, 3 क्या लिखूंगा, राइट की ओर जा रहा है लेफ्ट की ओर जा रहा है आपका, तो ये जो आपका जा रहा है लेफ्ट की ओर, लेफ्ट की ओर जाएगा तो क्या लिखूंगा पॉजिटिव के साथ, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3 माइनस प्लस 3 हो जाएगा इधर की लेफ्ट, इसमें देखिए इसको इस तरह बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको क्वेश्चन में 0.029 दिया, इसमें क्या करना हमको दशमलव को जो उठा कहाँ पे लगाना, वन डिजिट के बाद कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, किधर की ओर जाएगा इधर, तो मैंने किधर की ओर जा रहा है ये भी आपका राइट की ओर जा रहा है, ठीक राइट की ओर गया, तो इसको क्या करूंगा मैं लिखूंगा यहाँ पे 2.9 × 10 to the power, क्या लिख राइट की ओर जा रहा है ना राइट के, तो माइनस को लिखूंगा कितना के बाद 1, 2, -2। इस तरह से आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन को नंबरिकल यदि आएगा मतलब प्रॉब्लम आएगा तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप इतना तक आप लोगों को समझ में आएगा साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब मैं इस पर नंबरिकल एक मतलब क्वेश्चन देखूंगा जो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोग को जो है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम जो आता है इस टाइप से आता है, और एनसीईआरटी का प्रॉब्लम यदि आप लोग समझ पाइएगा तो हो सकता है कि आप लोग एग्जाम में उसी टाइप में और उसी पैटर्न में आप लोग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है और पूछता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन में आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए तो ये आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है एक्सप्रेस द प्लॉमिंग इन साइंटिफिक नोटेशन। इस टाइप क्वेश्चन जब भी देखते होंगे तब मतलब अब से जब देखेंगे मेरे वीडियो तो आप लोग को हो सकता है 100% कॉन्फिडेंस आ गया होगा साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग 100% सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, मैंने जो पहले समझाया उसी टाइप में भी क्वेश्चन भी है, इसलिए मैंने पहले आप लोगों को वहां से बेसिक मजबूत कर लिया, अब इस क्वेश्चन पे लाता हूं मैं आप लोग एकदम तुरंत बना दिए क्वेश्चन को, देखिए अगर साइंटिफिक नोटेशन तुरंत क्लियर कर दीजिए। देखिए इस टाइप क्वेश्चन जो आपको मैं एनसीईआरटी से लिया और इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो दिया है तो इसका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। देखिए यहां से यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है लिखना है साइंटिफिक फॉर्म में। देखिए मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले डिजिट को खोजना है, डिजिट किधर की ओर है, लेफ्ट की ओर राइट की ओर, तो मैंने देखा यहाँ पे डिजिट को किधर है, राइट की ओर, मैंने इधर की ओर जाना आपको, क्यों, क्योंकि इधर मैं जाऊंगा तो जीरो मिलेगा, इधर जाऊंगा तब नहीं मिलूंगा। देखिए तो मैं क्या करूंगा इधर की ओर गया, यानी किधर की ओर जा रहा मैं जो हूं किधर की ओर जा रहा हूँ, लेफ्ट की ओर राइट की ओर जा रहा हूँ, राइट की ओर गया मैंने, अब सब में मैं लिखूंगा नहीं, ठीक, बस बोलूंगा। देखिए क्या करना है यहाँ से दशमलव उठा के मैं कहाँ पे, यहाँ पे लाऊंगा, क्या लिखूंगा 4.8 × 10 to the power, कितना आएगा 1, 2, 3, तो माइनस 3 लिया क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट राइट की ओर जा रहा हूँ। इसमें क्या करूंगा, इसमें देखिए उसी तरह इसमें क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या बोल रहा है, इसमें डेसिमल का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया, डेसिमल का जिक्र नहीं किया गया इसका मतलब समझ जाइए डेसिमल जो है यहाँ पे अवेलेबल है वो लास्ट में अवेलेबल है, मैंने अंत में कहीं हमने सपोज दैट यहाँ पे मान लिया, और यहीं पे सपोज दैट क्या यहीं पे है ही, ठीक है। इसको उठा के मैं कहां पे लाऊंगा, यहां पे लाऊंगा, क्या लिखूंगा किधर की ओर जा रहा है, लेफ्ट की ओर, तो लिखूंगा 2.34, ठीक 2.34000 × 10 to the power, क्या लूंगा क्योंकि लेफ्ट की ओर मैंने गया तो पॉजिटिव लूंगा 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना लूंगा 5 लूंगा, ठीक। इसको देखिए इसमें भी डेसिमल नहीं है, कहीं पे दिखाया नहीं है, इसका मतलब समझिए डेसिमल लास्ट में, इसको उठा के मैं कहां लाऊंगा, यहां पे लाऊंगा 8.2008 × 10 to the power, कितना आएगा किधर की ओर जा रहा है, मैंने लेफ्ट की ओर गया तो प्लस होगा, तो 1, 2, 3 यहाँ पे लिखूंगा प्लस में 3, समझ में आ रहा बात को, आसानी तरीके से समझ में आएगा ही। उसके बाद ये मैं क्या, देखिए दशमलव यहाँ पे दिया, इसको उठा कहाँ पे लाना हमको, यहाँ पे लाना, क्या लिखूंगा 5.000 × 10 to the power, किधर की ओर जा रहा है, मैंने लेफ्ट की ओर गया, किधर की ओर जा रहा है लेफ्ट, इसलिए मैं क्या लिखूंगा 2। इसके बाद देखिए इसमें देखिए यहाँ पे तो कुछ आप कुछ देखिए, इस टाइम क्वेश्चन जब भी आता है ना ये आपको समझा रहा है कि इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या है, तो इसका साइंटिफिक नोटेशन कुछ चेंज होगा क्या, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे, अगर हमें आप लोगों को पहले नहीं बताया रहा था कि साइंटिफिक नोटेशन में बोला जाता है कि आप लोग का जो डेसिमल पॉइंट लगता है हमेशा वन डिजिट के बाद लगता है, अगर यदि वो बात आप लोगों को याद नहीं रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग गलत कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए कोई चेंज नहीं किया है, इसमें वन डिजिट के बाद ही क्या है दशमलव है, तो इसमें कुछ चेंज करेंगे आप क्या नहीं करेंगे, इसीलिए आप जब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता समझ जाइए कि वन डिजिट के बाद जब दिया है तो उसको मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, जो है उसको मैं छाप दूंगा 0, 1, 2 मेरा आंसर होगी। इस टाइप का क्वेश्चन जब मतलब कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये बात याद रखना कि साइंटिफिक नोटेशन जब भी लगाना है आपको तो वन डिजिट के बाद लगाना है, और आपको वन डिजिट खोजना है कि कहाँ पे वन डिजिट है, अगर लेफ्ट की ओर जाना है तो पॉजिटिव लगा देना है, और राइट की ओर जाएंगे तो हम लोग नेगेटिव को लगा देंगे, बात समझ रहे हैं, मतलब इतना आप लोग को हमेशा याद रखना है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे साइंटिफिक नोटेशन का।
अब एक बार ये आता है कि यदि सर हम लोग फॉर्मूला ही भूल जाएं तो साइंटिफिक नोटेशन कैसे याद करें, कैसे समझेंगे साइंटिफिक नोटेशन कैसे अप्लाई करना है। अगर मैं सपोज दैट लेफ्ट की ओर जाना तो पॉजिटिव, राइट की ओर जाना तो नेगेटिव, अगर इस बात को मैं अगर भूल जाऊंगा सर तो मैं कैसे अप्लाई कर पाऊंगा साइंटिफिक नोटेशन को, एग्जाम में कैसे सॉल्व कर पाऊंगा साइंटिफिक नोटेशन को, फॉर्म को। देखिए इसके लिए मैं आप लोग को कुछ बता रहा हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए चीज को, जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेकर समझा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, समझिए भी यहाँ से। 0.0048 ऐसा दिया हुआ, ठीक है ना, इसको आप लोग साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, यानी कि डेसिमल फॉर्म में लिखना है, मैंने पॉइंट को यहाँ पे लाना है, ठीक है। ये जो साइंटिफिक फॉर्म जो होता है प्लस के फॉर्म, ये जो मैं बताऊंगा सिर्फ प्लस, नेगेटिव वाला में अप्लीकेबल होगा, प्लस में अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसको अगर लिखना है आपको, पॉइंट को हटाना है, तो देखिए सबसे पहले इसका मतलब देखिए कैसे आया। इतना आप लोग जानते हैं कि अगर ऐसे कुछ लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10^-1 लिखा हुआ, इतना समझ। अगर 10 जो है अगर कभी ऊपर जाता है तो नेगेटिव साइन लेके जाता है। अगर सपोज दैट लिखा है 100, इसका मतलब क्या है 10^-2, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 10^2। बात समझिए, बात समझिए, ध्यान समझ रहा, समझिए। ऐसे मैंने बोल दिया 100, इसको मैं लिख सकता हूँ 1, 2, 3, 10^3। क्यों? क्योंकि वही देखिए साइंटिफिक नोटेशन का यूज यहां पे भी हो रहा है, ये जो पॉइंट यहां पे आ गया, मतलब बात समझ रहे ना, तो नहीं सॉरी पैंट पॉइंट का मतलब नहीं यहाँ पे, ये उन्हें गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मैं लिखा ना 10^3, क्योंकि यहाँ पे 3 0 जो है उसको तिरिक के रूप में लिख सकता हूँ, मैंने लिख सकता, जिसे आप लोग जानते हैं 2^2, इसका मतलब क्या कि 2 को मैं 2 बार लिखूंगा। 3^4, इसका मतलब क्या कि 3 को मैं लिखूंगा 3 4 बार, ये होता है ना। इसी तरह से ये जो होता है 10^5, इसका मतलब कि 10 को लिखूंगा मैं 5 बार, मैंने 0 5 बार बिठाना, 1 2 3 4 5, यही होता है। तो अगर मैं इसको, अगर सपोज दैट ये ऐसा रहा और इसको मैं ऊपर लाऊंगा तो 10^-5 हो जाएगा, इतना आप लोग जानते होंगे जरूर, मैथ्स का स्टूडेंट को जरूर जानते हैं, ठीक है। उस चीज को मैं यहाँ से अप्लाई करूंगा। एक चीज और जान लीजिए, कभी कभार जब सोल्यूशन हम लोग सोल्व करते हैं एग्जामिनेशन वाला, मतलब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना पॉइंट को इधर की ओर बढ़ाते हैं, जितना पॉइंट इधर की ओर बढ़ाते हैं उतना 0 नीचे बैठाते हैं हम लोग, ठीक है। अगर पॉइंट को कहाँ पे लाना है, यहाँ पे, तो हमको ये कह रहे हैं यहाँ पे पॉइंट लाने के लिए क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पे लाएंगे, तो कितना अंक के बाद गया 1 2 3, यहाँ पे लिखूंगा 3 2 0, कितना समझ में आ गया। अब मैं पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट को मैंने यहाँ पे लाया तो 4.8, और इसको लिख सकता हूँ 10^3, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इस 10^3 इसको उठा के मैं क्या करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा, तो 4.8 × 10^-3 को मैंने उठा के यहाँ पे लाया, क्योंकि ये जो प्लस का चिन्ह होता है जो ऊपर जाता है तो माइनस के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से मतलब जो है साइंटिफिक नोटेशन का मतलब उत्पत्ति हुआ था, ठीक है। बट ट्रिक्स जो है आप लोगों का पॉजिटिव की, अगर प्लस की ओर जाऊंगा तो पॉजिटिव का चिन्ह, अगर नेगेटिव सॉरी अगर लेफ्ट की ओर जाऊंगा तो पॉजिटिव का चिन्ह, अगर राइट की ओर जाऊंगा तो नेगेटिव का चिन्ह, उसको अगर आप लोग याद रखिएगा तो साइंटिफिक नोटेशन में कभी भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और जो मैंने बताया उसको अगर 2-3 बार आप लोग देख लेगा तो और आसानी से आप लोग को और डिटेल पूर्वक में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट 3 जो आने वाला है, साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग मतलब मल्टीप्लीकेशन में, सबस्ट्रक्शन में, उसके साथ साथ में डिवीजन एडिशन में कैसे कैसे यूज करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताएं, उसके साथ साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।